सो गाइस मेरा नाम है निंजू एंड आप लोग देख रहे हैं निंजू गेमर्स। तो फिर आज हम लोग खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट एंड आप लोग को तो पता ही होगा कि हम लोग माइनक्राफ्ट में कितने प्रो हैं। तो मैं अभी ये वर्ल्ड का नाम रखने वाला हूँ निंजू का वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके चीट्स ऑन रख देते हैं बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ने वाली है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, इससे अच्छा मैं आप लोग को बता दूँ, राइट। एंड हाँ, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तभी मेरा ऐसा आवाज आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं वर्ल्ड में। यो, क्या हम लोग एंटर कर पाएंगे इस वर्ल्ड में, मतलब मैक्स कर पाएंगे, एंडर ड्रैगन को मार पाएंगे बिना चीट्स के। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं एक प्यारे से जंगल में। अबे यार लैग कर रहा। ओके, तो हम लोग को पहले सबसे पहले जाना है लकड़ियां लेनी है, बहुत सारी ढेर सारी लकड़ियां लेनी है। अबे हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। ओके, सो तो हम लोग ने 3 लकड़ियां कलेक्ट कर ली है एंड मेरे को कंट्रोल थोड़े बहुत याद है, मतलब 3 महीने हो चुके हैं भाई मेरे गेम को हाथ ही नहीं लगाया। गेम को क्या मतलब, मैंने YouTube को ही हाथ नहीं लगाया। आप लोग ने देखा होगा जो मेरी ओल्ड वीडियोज हैं जिसमें मैं बात वगैरह करता था, तो वो 3 महीने पुरानी है। एंड जो मैं टाइम पास के लिए वीडियोज डाली थी वो वीडियोज पे तो व्यूज नहीं है, उसकी वजह से चैनल उल्टा डेड हो गया। तो अभी हमें फिर से रिकवर करना होगा, तो चलिए रिकवर करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, तो चलो देखते हैं भाई। पहले मेरे को ना फटाक से एक विलेज ढूंढना होगा, उसके लिए मेरे को शायद से चीट कोड का इस्तेमाल करना होगा। क्या हम चीट कोड का इस्तेमाल करें दोस्तों? ऑफ कोर्स करूंगा, पर रुको थोड़ा सा देख लेता हूँ इधर उधर कुछ मिल जाए तो। अबे भाई तेरे को अभी यूज नहीं होना है। लग गया खुद ही। ओके, तो हम लोग पहले अबे यार। ओके ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे विलेज मिलने वाला है, तो हम लोग भाई क्या है ये। ओके, तो हम लोग लगाएंगे स्लैश लोकेट स्ट्रक्चर विलेज प्लेन्स में। अबे यार, लोकेट स्ट्रक्चर विलेज प्लेन्स में देखते हैं। तो अभी हम लोग को आएगा, हाँ तो ये नेविगेशन पे हम लोग चलते हैं स्लैश टीपी दिस। ओके लेट्स गो। एक सेकंड, मैं पहले क्रिएटिव में चले जाता हूँ एंड क्रिएटिव में जाने का कोई और तरीका नहीं है क्या? अरे मैं तो ये भूल ही गया, F5 से ये होता है। तो ठीक है, अगर हम लोग अभी क्या लिख दिया। ओके, गेम मोड क्रिएटिव। तो चलो हम लोग पहले चलते हैं यहाँ पर टीपी दिस एंड अभी हम लोग यार क्रिएटिव नहीं, मुझे स्पेक्टेटर मोड में जाना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग ऊपर जाते हैं एंड आप लोग देख सकते हो क्या प्यारी विलेज है। प्यारी नहीं है, मतलब एकदम गंदी है यार, छी। कोई और जगह भी देखूं, बट एक प्रॉफिट ये है कि यहाँ पर बहुत प्लेन एरिया है तो फिर हम लोग के काम आ जाएगा। चलो ठीक है यार, हम लोग क्रिएटिव कर देते हैं, बस मुझे नहीं पता है कि स्पेक्टेटर में नीचे कैसे जाते हैं, क्या आप लोग को पता है कॉमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ये विलेज तो ढूंढ लिया है एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केव वगैरह भी है एंड अब हम क्रिएटिव में है ही तो हम मटेरियल भी उठा सकते हैं, बट मैं मटेरियल नहीं उठाऊंगा, मेरे को ग्राइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ी सी लकड़ियां ले सकते हैं हम लोग इधर से एंड ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां। अबे हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियां थी, तो अभी मैं यहाँ पर लकड़ियां लगाते जाऊंगा जितनी मुझे सफिशियंट चाहिए। लकड़ियां तो मैं लगा रहा हूँ लेकिन मैं सर्वाइवल में जाके तोड़ूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग को भी लगे कि हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे गेम मोड सर्वाइवल
आई नो दिस इज नॉट अ जोक, बट ठीक है, थोड़ा बहुत मस्ती चलता है यार, थोड़ा बहुत चीटिंग चलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ऐसा रखेंगे इधर, इसके बाद इसको इधर, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर इधर रख देंगे, एंड फिर इसके बाद हम लोग बना देंगे एक स्वॉर्ड, नहीं बनानी है सॉरी, हम लोग बना देंगे एक प्यारे सी एक्स के लिए, मेरे को एक और लकड़ी चाहिए यार, ऐसा थोड़ी होता है क्या यार। ओके तो हम लोग इसको निकाल लेंगे उसके बाद। ओके एंड ये बन गई हमारी एक्स, गोल्डन एक्स, तो इससे हम लोग फटाक से इसको तोड़ लेते हैं। भाई मेरे को मिल जाएगी वो, ठीक है। अरे यार चलो ठीक है, उसको नीचे कलेक्ट कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो कि जब तक मैं नीचे पहुंचूंगा तब तक वो जिंदा होगा, मतलब 5 मिनट में डिस्पॉन हो जाता है सामान, वो बताना था मुझे, मर भर थोड़ी जाएगा उसके अंदर थोड़ी जान होती है। ओके तो भाई पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुझे इसको तोड़ने के लिए, तब हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या मैं 5 मिनट के अंदर अंदर तोड़ पाऊंगा इसे। अगर तोड़ लिया तो फिर अच्छा है, वो सामान मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं तोड़ पाया तो फिर ठीक है कोई बात नहीं। वैसे ढेर सारी लकड़ियां तो हो ही गई हैं, चाहूं तो कूद के ले सकता हूं बट नहीं चाहिए, 4-5 बना लेंगे। ठीक है तो अभी हम लोग देख सकते हो, ओके तो 25 हो गए, कितने हो जाएंगे वैसे, 30-40 तो हो जानी चाहिए, बहुत सारी लकड़ियां यार। और मैं कीप इन्वेंटरी ट्रू करने वाला हूं क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं मरूं तो मेरा सामान जाए। एंड जो चीटिंग की है मैंने उसकी मुझे पेनल्टी लगेगी, तो वो पेनल्टी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या अरेंजमेंट होने वाली है, तब तक के लिए देखते रहिए। ओ भाई 5 मिनट के अंदर तोड़ लिया हम लोग ने, मिल गया हम लोग को, चलो डिस्पॉन नहीं हुआ सामान, वही बहुत है। एक सेकंड, व्हाट द हैक भाई साहब। ओके तो मैं ओके तो अभी हम लोग इसको मार सकते हैं, फर्स्ट कीप इन्वेंटरी, ट्रू था, शकल पे धधा लिखा हुआ है क्या, ओके लिखा हुआ होगा शायद से, तो हम लोग फिर से जाते हैं वो जगह पे, कॉज मुझे वो जगह पसंद आई, एंड या यहाँ पर कोई बेड है क्या, हो यार गेम लैग करने लग गई, इतना अच्छा पीसी होने के बाद भी गेम लैग कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग ने रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया है, एंड अभी हम लोग उस गधे को मार सकते हैं। गधे जी आप कहाँ है, ओके तो गधा यहाँ है, एंड हम यहाँ पर चढ़ के इसे मार सकते हैं, पर ये गधा स्मार्ट है, वाओ पर एक सेकंड मैं सोच रहा हूँ इसे जिंदा रखूं क्योंकि यहाँ पर सामान मिल जाएगा। ओ भाई नहीं, दो दो यूज नहीं करना है, एक केव के अंदर ले जाऊंगा, भाई यार मैं थोड़ा नूब बन जाता हूँ कभी कभी। तो हम लोग एक एक्स बना लेंगे जिससे हम लोग बहुत सारा आयरन कलेक्ट करेंगे। Wow, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करेंगे ताकि हम लोग स्टोन का मटेरियल बना सके। मेरे को यार यहाँ पर बहुत बड़ा कैसल बनाना है, उसमें आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, मतलब बता सकते हो मुझे कि कैसल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो हम लोग उस वैसे बना लेंगे कैसल, ठीक है। एंड या फेस कैम मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज फिलहाल के लिए मेरे पास फेस कैम का कोई मटेरियल नहीं है, एंड मैं अपने मोबाइल से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, एज यू नो आई हैव आईफोन, तो उसका वॉइस ओवर थोड़ा अच्छा होता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो अगर नहीं करता भाई सही में।
एंड्रॉइड होता है नहीं करता, मैं याद कर रहा हूँ यार एंड्रॉइड का भी माइक अच्छा होता होगा आई डोंट नो, बट फिलहाल के लिए ओके। तो हम लोग बना लेते हैं एक एक्स एंड इसको फेंक दो, इसको फेंक दो एंड बना लेते हैं पिकेक्स, सॉरी एक्स एंड पिकेक्स ब्रो ओके। इसको फेंक दिया एंड इसको भी फेंक दो एंड अभी इसको लेके चलते हैं, काम आ जाएगा हमारे। तो चले गया नीचे, क्रीपर दिखा था वैसे मुझे, उसको मारना पड़ेगा। भाई ओ डैमेज हो ही गया आखिर, भाई तुम फिर से क्यों आ गए, नहीं चाहिए तुम। ओए ओए बटले तेरी भैंस की, बच्चे बच्चे खुद तो आग में मर रहा है, मुझे भी आग में मरा रहा है भाई। मैं स्पैम क्यों कर रहा था, ओके कोई बात नहीं, मुझे लगता है ना कि मुझे फूड की बहुत जरूरत है, तो आई थिंक मैं एक और चीटिंग कर सकता हूँ जिसकी फिर से मुझे पेनल्टी लगने वाली है, बट ठीक है। ओके तो ये चीजों की जो भी पेनल्टी होगी मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। ओके तो फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेड खा लेते हैं, अभी यहाँ पर रात हो रही है, मुझे रात को जाना चाहिए कि नहीं पता नहीं, बट केव में रात हो या सुबह फर्क थोड़ी पड़ता है। ओके तो यहाँ पर मुझे कोल दिखा एंड हम लोग तोड़ लेते हैं, बहुत सारा कोल है यहाँ पर। आई होप मुझे आयरन भी मिल जाए ताकि मैं आयरन की पिकेक्स बना के टाइम पास कर सकूं एंड आयरन का आर्मर बना लूं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। एज फास्ट एज पॉसिबल हम लोग एक दिन में बहुत सारा ग्राइंड करने वाले हैं, क्योंकि ऑफकोर्स यार माइनक्राफ्ट इज ओल्ड, तो सबको पता ही है कि क्या करना होता माइनक्राफ्ट में। जेंशन इम्पैक्ट नहीं है कि 50-60 साल लग जाएंगे, जेंशन इम्पैक्ट वालों को ताने मार रहा था मैं वैसे। भाई 40 रैंक हो ही नहीं रही है मेरी, क्या बताऊं आप लोग को। वीडियो देख लेना जेंशन इम्पैक्ट वाली अगर आप लोग इधर तक देख रहे हो तो। ओके तो अभी हम लोग चलते हैं फ्रैक से एंड और कोल मिला, चलो भाई इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं, काम आ जाएगा। भाई कोल कलेक्ट करके रखना चाहिए, नहीं तो फिर ना अंधेरा सा हो जाता है जिंदगी में। एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ने 25 कोल कलेक्ट कर लिए, 26 कितने हो जाएंगे, 27, 28, 29 29 हो जाएंगे, नहीं भाई 30 हो जाएंगे, नहीं भाई 31 हो जाएंगे। भाई इतनी प्योर हिंदी कैसे बोलने लग गया मैं, पता नहीं। ओके तो अभी हम लोग पहले हम लोग टॉर्च बना लेते हैं, रुक जाओ पहले स्टिक्स, स्टिक्स से टॉर्च। भाई याद करने दो सब कुछ, याद आ जाएगा ना फिर टेंशन नहीं रहेगी। आयरन दिखा मुझे, ओके यहाँ पर आयरन है। भाई पता नहीं नजरें कैसे तेज हो गई मेरी, लगता है जितना गेम से दूर रहा उतनी नजरें तेज हो जाती हैं। वैसे 3 आयरन मिल चुका है, काफी है एक एक्स के लिए, मतलब पिक एक्स के लिए। तो ओए भाई मेरे को इधर गिरना नहीं था, चलो ठीक है गिर गया तो फिर अच्छा है, देख लेते थोड़ा। उधर एक टॉर्च लगाई हुई है ताकि याद रहे कि मैं कहां से आया हूं, मुझे लग रहा है मैं भूल जाऊंगा, सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया भी है, भूल भी गया ना तो फिर मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उधर बेड लगा हुआ है तो फिर मैं उधर स्पॉन हो जाऊंगा। दिमाग तो आया तुम्हारे भाई के पास। ओके तो केव में हम अंदर जाते जा रहे हैं एंड मुझे ऐसा क्यों लग रही है एंड हो गई, या फिर मैं रिटर्न जाने वाला हूं। ओह बोल है यहाँ पर एंड ये एंड हो चुकी है, तो चलो वापस चलते हैं एंड वो कलेक्ट कर लेते हैं, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं क्यों बर्बाद करूं इसको। एक लग रहने देते हैं ताकि याद रहे इधर में आया था, दो लग रहने देते हैं, चलो यार। ओके तो अभी यहाँ पर चमकादर पैसा है भाई, 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 भाई। ओके भाई मेरे बाल आ रहे हैं मेरे आंखों में, 2 मिनट। हाँ तो हमने बाल सेट कर लिए हैं, काश मैं आप लोग को फेस कैम दिखा पाता, बट फिलहाल के लिए तो नहीं दिखा पा रहा हूं। यहां पर तो आयरन का भंडार है भाई, भाई जैकपॉट, जैक भैया के साथ पॉट लग गया। ओके सो मुझे लगता है मुझे बहुत सारे कट्स करने पड़ेंगे, कॉज में अटक अटक के बोल रहा हूं बच्चों की तरह।
वैसे अटक अटक के नहीं बोल रहा हूँ, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या ही बोलूं मैं। 3 महीने गायब था भाई मैं, ऑफकोर्स थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट यार मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही थी। 3 महीने गायब क्यों था उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब। मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा ग्राइंड करूं, तो 21 आयरन तो हो चुके हैं वैसे, आई थिंक मुझे एक स्टैक आयरन कर लेना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स यार अभी हम बच्चे नहीं रहे कि हम 10-15 आयरन में खुश हो जाएं। आई क्या करूं, तेरा आता भी नहीं है मेरे पास। ओके तो यहां पर हम और ग्राइंड कर सकते हैं नीचे जाके, आई गेस आयरन दिख रहा है क्या कहीं, क्योंकि यहाँ पर एक आयरन है। वैसे मैं दूसरा मतलब एक कर सकता हूँ कि कीप इन्वेंटरी ऑफ, बट मेरे को डर लगता है भाई सामान चले गया तो। ओके यहाँ पर भी आयरन है, पता नहीं भाई आयरन में मैग्नेट लगा हुआ लगता है मेरी तरफ खिंचा आ रहा है, या फिर आयरन सस्ते कर दिए माइनक्राफ्ट वालों ने। ओके एंड अगर आप लोग में से किसी को भी सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो दबा देना, ठीक है दबा देना प्लीज। तो चलो चलते हैं फटाक से ऊपर, एंड एज यूजुअल हमारी थोड़ी तबीयत खराब है, बट ठीक है चलेगा, हम लोग को वीडियो बनानी पड़ेगी। आयरन भाई तेरे अंदर ना मैग्नेट लगा हुआ है लगता है मेरे को, दिखे ही जा रहा है। अच्छा एक स्टैक तो करके ही जाएंगे हम लोग, फिर तो इसके बाद उसको स्मेल्ट करने के लिए बहुत सारे फर्नेस लगेंगे एंड कोल लगेगा, इसलिए मैं कोल जमा कर रहा हूँ, वैसे और कोई रीजन नहीं है कोल जमा करने का, बट आई थिंक एक कोल से 8 होते हैं, तो फिर 64 10 में हो जाएंगे, 10 में नहीं यार मतलब कम में हो जाएंगे, 8 में हो जाएंगे शायद से, 8 8 64 या 68 में हो जाएंगे। एंड ये क्या है, किसने बनाया भाई, कौन है इतना क्रिएटिव इधर। ओके तो हम लोग बहुत डीप आ चुके हैं आई गेस, क्या यहाँ पर कोई बवंडर मिलेगा भाई, मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, इधर 2 डायमंड है, मैं ना थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ गाइस, ठीक है पहले हम लोग इधर थोड़ा सा एक एरिया बनाते हैं जिसमें हम लोग बैठ पाए। अबे यार मैं घसा हूं क्या गाइस, मेरे को स्मेल्ट करना पड़ेगा एज फास्ट एज पॉसिबल, अगर डायमंड मिल रहा है तो गाइस आई डोंट वांट टू लूज, थोड़ा सा एक एरिया बना देता हूं जिसमें हम लोग बैठ पाए ताकि ये गधे लोग मुझे परेशान ना करें, इन गधों का ना कोई भरोसा नहीं होता, किधर से भी टपक जाते हैं। ओके तो पावर स्टोन एंड या तो हम लोग के लिए एरिया बन चुका है, एंड अभी हम लोग पहले इसको रखेंगे इधर एंड बनाएंगे एक स्मेल्टिंग, क्या बोलते हैं इसको, फर्नेस, स्मेल्टिंग फर्नेस, वाह नया नाम रख दिया मैंने भाई, भूल चुका हूँ सही में मैं। ओके तो वैसे भी 8 तो हो ही जाएंगे, 42 आयरन है हमारे पास, इनसफिशिएंट है यार। वो भाई वो पर्पल आके वाले दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंडरमैन, हाँ एंडरमैन तेरी भैंस की लकड़ी, लगता है उसने मुझे देख लिया तभी भाग क्या। ओके तो एक हो चुका है, 3 होंगे, मैं फटाक से एक बना के तोड़ लूंगा डायमंड, फिर उसके बाद बाकी के 5 कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। भाई लगता है उसको गुस्सा आ चुका है तो ले मर ले, अरे किधर गया, अगर उसको गुस्सा आ चुका है वो भाई मैं तो मजे ही ले रहा था, अरे हाँ मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, अच्छा हुआ उसने मेरा ध्यान दिला दिया, खाना खाना है मुझे। भाई मुझे ये एरिया भी याद नहीं है यार, हट यार तू सोने दे मेरे को देखना पड़ेगा अब ये एरिया किधर है, वो पागल ने मुझे मार दिया यार,
थोड़े की अब एक्सप्लोर कर लेते हैं किधर है वो एरिया। आई थिंक वो इधर किधर था, यहाँ पर था क्या? नहीं भाई यहाँ पर नहीं था। कहाँ था वो एरिया? ओ ये रहा शायद से, हाँ यहाँ पर मैं गिरा था एंड फिर उसके बाद यहाँ से कूद के गया था। ओके तो एरिया मिल चुका है एंड अरे यार मैं तो भूल चुका हूँ मैं सब कुछ। तो जहां जहां पर मैंने टॉर्च लगाई है बस वहां पर एरिया मुझे फॉलो करना है ताकि मैं फटाक से पहुंच जाऊं वहां पर। भाई वहां पर डायमंड था और उस गधे ने मुझे मार दिया। आयरन भी मिल गया, चलो अच्छा है। एक सेकंड ऐसा भी लग रहा है मुझे आयरन इधर टेलीपोर्ट हुआ है भाई, खत्म ही हो रहा है। अच्छा अच्छा मेरे 42 आयरन सी उधर थे शायद से। तो मुझे जल्दी से पहुंचना होगा भाई, जल्दी से पहुंचना होगा। नहीं 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 तुझे भी अभी आना था क्या? अगर मैंने ऐसे नहीं मारा तो फिर ये मुझे मार देगा। डू और डाई, डू और डाई। वो भाई बच गया। ओके ओए 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 नहीं नहीं वो भाई बच गया। क्या गंदा बचा हूं मैं। अभी ऐसा लग रहा है कि इधर कदम कदम पे मौत है, नहीं तो फिर एकदम इजी लग रहा था। एक सेकंड में इधर से शायद से आ चुका हूं। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं। ओके तो फिलहाल के लिए हम लोग को इधर से जल्दी से चलना होगा। आई थिंक मैं यहाँ कहीं गया था। ओके ओके हाँ बारा बोरा एरिया मिल गया हमें फाइनली। भाई ये तो अच्छा हुआ मैंने टॉर्च लगा रखी थी, नहीं तो फिर मेरी हालत खराब हो जाती। यहाँ पर रहा ये डायमंड, ये नहीं यहाँ पर रहा ये मेरा एरिया। तो चलो ये तोड़ लेते हैं फ्रैक से एंड यहाँ पर कर दिया हमने अंधेरा गधों की तरह। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर लगा देते हैं डर्ट एंड ये ले लेते हैं 8 आयरन एंड फिर उसके बाद हम लोग लगा लेते हैं इधर ये एंड फिर उसके बाद अरे यार स्टिक्स नहीं है। ओके कीप इन्वेंटरी का फायदा हुआ। ओके तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं कि ये भाई बावला हो गया हूँ। एकदम लोग ने फाइनली आयरन की पिकेक्स बना लिए एंड फटाक से हम लोग इसको निकाल लेते हैं एंड फिर इसके बाद हम लोग ये निकाल लेंगे। यस फाइनली गोल्ड भी मिल गया एंड हम लोग को डायमंड मिल जाएगा। काश यहाँ पर 3 डायमंड हो तो काम हो जाएगा हमारा। वो भाई 2 ही था बट आई थिंक यहाँ पर और डायमंड होगा। हम लोग को फटाक से चलने चाहिए क्योंकि अभी हम लोग के पास सफिशियंट मटेरियल है, सब कुछ है हमारे पास एंड मेरे को एक ही तरीका पता है ऊपर जाने का जो कि है। एक सेकेंड में यहाँ पर थोड़ा स्कैन कर लूँ क्या एरिया, क्या पता डायमंड मिल जाएगा इस, क्या पता मिल जाए, कुछ भरोसा नहीं है। मिल भी सकता है वो भाई मरने का भी आया। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे को ऊपर ही आना था एंड मैं यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ। भाई ये लैग क्यों कर रहा है? ओके तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ। भाई तू लैग करना बंद कर प्लीज। हाँ तो अभी हम लोग बना लेंगे एक छोटा सा घर बट उससे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा आयरन का सामान जिससे कि हम लोग सारा काम कर पाएंगे। भाई ये गेम लैग कर रही है, 2 सेकंड गाइस। ओके तो आई थिंक वी आर रेडी टू ग्राइंड। हमें 2-3 और फर्नेस चाहिए होंगे। ओके तो हम 3 फर्नेस बना लिए, टोटल 4 फर्नेस है। चारों फर्नेस में 10-10 रख देता हूँ शायद से, तो 4 ही थे मेरे पास, 40 ही थे मतलब। हाँ तो ये 10 इधर रख दिए, एक पोल 2 पोल
ओके 10 इधर रख दिए, एक कॉल दो कॉल, 10 इधर रख दिए, एक कॉल दो कॉल, 10 इधर रख दिए, एक कॉल दो कॉल, ठीक है। तो हो गया ये हमारा सेटअप। एंड अभी हम लोग फिलहाल के लिए ये एरिया का फ्लैट करना चाहते हैं ताकि हम लोग बहुत बड़ा सा घर बना सके जिसमें हम लोग रहेंगे एंड बहुत सारे लोगों को भी रहेंगे जो मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे जो मेरे साथ खेलना चाहेंगे। मतलब फिलहाल के लिए हम लोग नहीं खेल सकते बट इस वर्ल्ड को मैं सेव करके रख लूंगा, जब मैं गेम पास परचेस कर लूंगा फिर उसके बाद हम लोग साथ में खेलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो अभी ये हो रहा है एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं। गेम पास तो मैं नेक्स्ट मंथ ही परचेस करूंगा वैसे। एंड अभी जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग, अरे हाँ मैं ये बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं शवल बना लेता हूँ। तो या हम लोग इधर से ही स्टार्ट कर देते हैं। आयरन की शवल से वैसे बहुत सारा हो जाएगा एंड ये केव को हमें ढकना होगा वैसे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नीचे पूरा केव ही है लॉल, नहीं नीचे पूरा केव नहीं है क्योंकि वो एरिया सिर्फ केव है, उसे हम ढक सकते हैं इस डॉट से। ओके तो हम लोग ने इसको ढक दिया एंड वैसे हम इसको भी ढकेंगे बट फिलहाल के लिए हम लोग फटाक से इसे साफ कर देते हैं ताकि हम बड़ा सा घर बना सकें। तो वैसे ये पीसी लैग कर रहा है बट एक्चुअली इसको लैग नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो ये लैग क्यों कर रहा है। RTX 3050 Ti होने के बाद भी लैग करता है भाई तू, ऐसा थोड़ी होता है। एंड सो यहाँ आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा एरिया हम लोग ने क्लियर कर दिया एंड हम लोग को वैसे ही अभी जब तक ये शवल नहीं टूट जाती तब तक घिसते जाने घिसते जाने घिसते जाने। एंड मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स आप लोग की वजह से ही मैं माइनक्राफ्ट की वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं सोच रहा था कि मैं जेंशन इंपैक्ट की वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप लोग को चाहिए कि मैं जेंशन इंपैक्ट की भी वीडियो बनाऊं तो फिर आप लोग बताना मुझे, क्योंकि एनिमे लवर्स भी होने चाहिए ना भाई एंड मुझे भी रैंक 40 होने का मोटिवेशन मिल जाएगा इसी बहाने। रैंक 39 में हाफ तो कर ही चुका हूं, मतलब रैंक 40 हो ही जाएगा बट फिलहाल के लिए हम लोग माइनक्राफ्ट पे ध्यान देते हैं। हमें बनाना है बड़ा सा बंगलो ताकि आप लोग भी रह सको इसमें। अगर मेरी वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो फिर थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई साहब। फिर ये शवल टूट चुकी है एंड हम लोग का इतना एरिया क्लियर हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग छोटा सा घर बना सकते हैं फिलहाल के लिए बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का पूरा आयरन हो चुका है, तीन नहीं हो चुका है वैसे। ये बन गया, चेस्ट प्लेट भी बन जाएगी। आई भाई चेस्ट प्लेट बना दे तो हम लोग, अरे यार चेस्ट प्लेट भी बना देते हैं एंड बूट्स भी बना लेते हैं। अभी तो पूरा सेट बन चुका है हमारा एंड मटेरियल बाकी 20 रख लेते हैं फॉर बैकअप। अभी आप लोग को आयरन का आर्मर पहन के दिखाते हो तो मैं एकदम सोल्जर लग रहा हूँ। ये देखो सोल्जर को बस तलवार चाहिए, एक सेकंड तलवार भी बन जाएगी पर उसके लिए मुझे फिर से स्टिक्स बनानी पड़ेगी। एक स्टिक एंड तलवार, एक सेकेंड आई थिंक ना मुझे शायद से पता है कि ऐसे बनता है, एम आई राइट?
नो यार, शील्ड कैसे बनती है मुझे भूल गया हूं मैं भाई। लॉल ठीक है कोई बात नहीं, सारा सारा इधर रख देते हैं। एंड एक हाथ में हमारी होगी ये, एंड एक हाथ है एफ से होता है सॉरी लॉल। ओके तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने पूरा आयरन का सेट बना लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। एंड हम लोग ये पूरा एरिया क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड फिर बनाएंगे एक बड़ा सा घर। आयरन लेना आज के वीडियो का गोल था। तो या बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।